हे गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ के एमसीक्यूज के अगले पार्ट यानी के पार्ट 10 की। 9 पार्ट हम कर चुके हैं, कंटिन्यू ये सेशन हमारा चल रहा है। तो देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से एजेंडा 21 संबंधित है किससे, यानी के एजेंडा 21 इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मॉन्ट्रियल संधि से, रियो सम्मेलन से, क्योटो संधि से या +5 सम्मेलन से। एजेंडा 21 किससे संबंधित है ये बताना है, मॉन्ट्रियल संधि से, रियो सम्मेलन से, क्योटो संधि से या +5 सम्मेलन से किससे संबंधित है एजेंडा 21। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रियो सम्मेलन से संबंधित है एजेंडा 21। रियो सम्मेलन से आंसर बी, क्लियर है, बी आंसर हो जाएगा इसका, रियो सम्मेलन से संबंधित है एजेंडा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त हरी वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण के लिए और किसकी आवश्यकता होती है, बिसाइड वाटर एंड सोलर एनर्जी व्हाट एल्स डज ग्रीन वेजिटेशन रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन की, प्रकाश की, मैग्नीशियम की या कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑक्सीजन, लाइट, मैग्नीशियम और कार्बन डाइऑक्साइड। जल और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त हरी वनस्पति को जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल के अलावा और सूरज की ऊर्जा के अलावा। तो जल और सूरज की ऊर्जा के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और इसकी उपस्थिति में वो प्रकाश संश्लेषण के लिए अपनी प्रक्रिया करती हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड लोकेटेड इन इंडिया, दिल्ली, बेंगलुरु, बल्लभगढ़ या गुरुग्राम। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है भारत में उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, दिल्ली, बेंगलुरु, बल्लभगढ़ या गुरुग्राम। ये बल्लभगढ़ में स्थित है, बल्लभगढ़ हरियाणा में। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो मुख्यालय है वो बल्लभगढ़ में, सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, डॉक्टर वंदना शिवा या टी पुलैया। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, डॉक्टर वंदना शिवा या टी पुलैया, बताएंगे इनमें से बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो टी पुलैया बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं, टी पुलैया, डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विद रेफरेंस टू फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इनमें से कौन सा सही है ये बताना है प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में। पहला है, यह इलेक्ट्रॉनिक सामग्री विशेषकर अर्धचालकों पर प्रकाश के क्वांटम यांत्रिक प्रभावों से संबंधित है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं प्रणालियों का अध्ययन एवं अनुप्रयोग है जिसमें प्रकाश के स्रोत को जानना, उसका पता लगाना एवं उसे नियंत्रित करना शामिल है। तो इनमें से कौन से सही हैं ये बताना है प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में। इसमें केवल पहले वाला सही है, यह इलेक्ट्रॉनिक सामग्री विशेषकर अर्धचालकों पर प्रकाश के क्वांटम यांत्रिक प्रभावों से संबंधित है। केवल एक आंसर इसका, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, मलेरिया, हैजा, पीलिया या हीमोफीलिया। प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग मलेरिया, हैजा, पीलिया या हीमोफीलिया, आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। तो जो मलेरिया रोग है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, आंसर हो जाएगा इसका ए। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, आंसर ए। जब चींटियां काटती हैं तो वे किस तरह का अम्ल अंतः छेपित करती हैं, व्हेन एंट्स बाइट व्हाट काइंड ऑफ एसिड डू दे इंजेक्ट,
फार्मिंग अम्ल, इमाइलेज अम्ल, हाइपोथैलेमस अम्ल या सेल्मिनेला अम्ल। चारों में से बताइए चींटियां जब काटती हैं तो कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित करती हैं, यानी कि अंदर जाता है उससे उनके काटने से। फॉर्मिक अम्ल, एमाइलेज अम्ल, हाइपोथैलेमस या सेल्मिनेला। तो जब चींटियां काटती हैं तो फॉर्मिक अम्ल को अंतःक्षेपित करती हैं, वो आंसर ए होगा इसका। चींटियों के काटने से फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित किया जाता है। निम्नलिखित में से गोल्डन आवर क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल्डन आवर? लोकसभा सत्र का समय, राज्यसभा में एक विशेष सत्र, दिल का दौरा पड़ने का पहला घंटा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। टाइम ऑफ लोकसभा सेशन, अ स्पेशल सेशन इन द राज्यसभा, द फर्स्ट आवर ऑफ अ हार्ट अटैक, नन ऑफ द अबव। गोल्डन आवर क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोल्डन आवर है दिल का दौरा पड़ने का पहला घंटा, उसको गोल्डन आवर कहते हैं। जब दिल का दौरा पड़ता है तो उसका जो पहला घंटा होता है। निम्नलिखित में से संरक्षका संस्था संबंधित है? संरक्षका संस्था किससे संबंधित है? संरक्षका इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एड्स शोध से, मलेरिया शोध से, क्षय रोग नियंत्रण से, या कुष्ठ रोग निवारण से? एड्स रिसर्च, मलेरिया रिसर्च, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल फ्रॉम लेप्रोसी प्रिवेंशन, कुष्ठ रोग निवारण। संरक्षा संस्था किससे संबंधित है? तो संरक्षा संस्था संबंधित है एड्स के शोध से। क्लियर, ए आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ऑप्टिकल फाइबर, लेजर डायोड, सौर सेल। निम्न में से कौन से क्षेत्रों में प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी का अनुप्रयोग होता है? ऊपर चार क्षेत्र दिए हैं, उसमें से बताना है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी का अनुप्रयोग कहाँ होता है, किस क्षेत्र में होता है प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी का अनुप्रयोग। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ऑप्टिकल फाइबर, लेजर डायोड या सौर सेल। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड और ऑप्टिकल फाइबर दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी का अनुप्रयोग होता है। आंसर इसका ए हो जाएगा। गलत हो गया क्या? अच्छा सॉरी, डी आंसर होगा इसका। चारों में प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी का अनुप्रयोग होता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ऑप्टिकल फाइबर, लेजर डायोड और सौर सेल, चारों में। डी आंसर होगा इसका, ए बी सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों में प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी का अनुप्रयोग होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से बताना है कौन सा सही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताना है कौन से सही है। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसमें किसानों को रबी और खरीफ के लिए 2% की एक समान दर से प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। इन दिस फार्मर्स विल बी पेड अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2% फॉर रबी एंड खरीफ प्रीमियम। इनमें से बताना दोनों में से कि कौन सा सही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में। इसमें से दोनों में से कोई भी सही नहीं है, डी आंसर हो जाएगा इसका। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में दोनों में से कोई भी सही नहीं है। चंग कमायचा झाज निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? चंग कमायचा और झाज। चंग कमायचा झाज आर टाइप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या ये वस्त्रों की किस्म है? भील समुदाय में महिलाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आभूषण हैं। लोक वाद्य यंत्रों के प्रकार हैं। भेड़ की किस्में हैं। तो चंग कमायचा और झाज में से बताइए किसके प्रकार हैं। वेराइटीज ऑफ फैब्रिक्स, ज्वेलरी यूज बाई वुमेन इन भील कम्युनिटी, टाइप्स ऑफ फोक इंस्ट्रूमेंट्स और सीप वैराइटीज। चंग कमायचा और झाज निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? तो सी आंसर हो जाएगा इसका, लोक वाद्यंत्र हैं चंग कमायचा और झाज, वाद्यंत्र हैं एक तरह के। चैतन्य महाप्रभु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चैतन्य महाप्रभु।
पहला है उनके द्वारा बंगाल में गोंडिया संप्रदाय की स्थापना की गई। उनके द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया गया। वे मुसलमानों और निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश के योग्य नहीं मानते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चैतन्य महाप्रभु। द गोंडिया सेक्ट वॉज फाउंडेड बाई हिम इन बंगाल। ही डिड नॉट अपोज आइडियल वर्शिप। They did not consider Muslim and the lower caste to be eligible for entry into the temples. Which of the above statements is or are correct? चैतन्य महाप्रभु के बारे में कौन सा सही है करेक्ट बताना है तीनों में से। इसमें डी सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सही है इसमें। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भवाई नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है। भवाई डांस इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ राजस्थान। शेखावटी क्षेत्र, हाडोती क्षेत्र, जालोर क्षेत्र और उदयपुर संभाग। शेखावटी रीजन, हाडोती रीजन, जालोर रीजन या उदयपुर डिवीजन। भवाई नृत्य का संबंध इनमें से किस क्षेत्रों से है। भवाई नृत्य तो उदयपुर संभाग से इसका संबंध है भवाई नृत्य का। डी आंसर हो जाएगा इसका उदयपुर संभाग। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यह संयुक्त राष्ट्र से संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं ये बताना है। इट इज़ द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी एफिलिएटेड टू द यूनाइटेड नेशंस। इट इज़ द ओनली ट्राइपार्टाइट बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। अरे यार, भवाई नृत्य का संबंध राजस्थान के उदयपुर संभाग से है ये तो हो गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से बताना है कौन से सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसमें दोनों सही हैं, पहला भी और दूसरा भी। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र के संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी है और एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है इसकी, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण के लेखक हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ तमिल रामायण। ज्ञांगोदुर, जंगयोदान, कंबन और वेंकट माधव। तमिल रामायण के लेखक, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ तमिल रामायण। ज्ञांगोदुर, जयगोदान, कंबन या वेंकट माधव। इसमें कंबन जो हैं वो तमिल रामायण के लेखक हैं। क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कंबन की तमिल रामायण। टांडा ताप विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ पर। टांडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट अंबेडकर नगर, रायबरेली, गौतम बुद्ध नगर या सोनभद्र। टांडा ताप विद्युत परियोजना ये अंबेडकर नगर में स्थित है। टांडा ताप विद्युत परियोजना ए आंसर हो जाएगा इसका। गलील सागर अवस्थित है कहाँ पर। The Sea of the Galilee is located at Syria, Jordan, Lebanon या Israel. गलील सागर कहाँ पर अवस्थित है। गलील सागर अवस्थित है इसराइल में। डी आंसर होगा इसका, गलील सागर इसराइल में अवस्थित है। हरियाणा में किस स्थान पर गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। At which place Vulture Conservation Breeding Center has been established in Haryana? पिंजौर, कोसली, गन्नौर या सरस्वती नगर। किस स्थान पर, हरियाणा के किस स्थान पर गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र ये पिंजौर में स्थापित किया गया है, ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, काली कुमाऊं किसे कहा जाता है। हु इज नोन एज काली कुमाऊं। रुद्रप्रयाग, चंपावत, अल्मोड़ा या बागेश्वर। उत्तराखंड के एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये।
रुद्रप्रयाग, चंपावत, अल्मोड़ा या बागेश्वर में से किसे काली कुमाऊँ कहा जाता है? तो चंपावत को काली कुमाऊँ कहा जाता है, बी आंसर है इसका। ठीक है, काली कुमाऊँ चंपावत बी इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आज के सेशन में इतने रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।